नमस्कार Yalsar.com पर आप सभी का स्वागत है। साक्षात्कार संख्या 136। आज हमारे साथ हैं रणमल सिंह जी डोरवाल, कटराथल वाले। ये 95 साल के बुजुर्ग हैं, 94 साल के बुजुर्ग हैं। वैसे बुजुर्ग हैं कहने को, लेकिन ये अपने आप को बहुत युवा हैं फील करते हैं। और मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ, क्योंकि जब हम इनके गाँव में खेड़े फार्म हाउस पे गए तो देखा कि ये काम कर रहे थे, तो हमने इनको बताया, चुपचाप इनकी क्लिप बना ली। वो क्लिप देखिए कृपया। देखिए आपने क्लिप, इसमें ये खरपतवार निकाल रहे हैं और उसी तन्मयता के साथ काम कर सके युवा काम करता, 18 साल का नौजवान। रणमल सिंह जी, साक्षात्कार के लिए समय निकालने बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरुआत तो करते हैं परिवार से जी। परिवार में कौन कौन है? परिवार में मेरे खुद के तो 3 बेटियां, 2 बेटे, बड़ी बेटी का क्या नाम है? गई क्या नाम था उसका? उससे छोटा, उससे छोटे, उसी छोटी का नाम शांति, उसको मेरी माँ ने पढ़ने नहीं दिया जी जी। और तीन नंबर? तीन नंबर सुमित्रा है और फर्स्ट ग्रेड टीचर है जी, और इसी साल रिटायर होगी, आपके एज के स्कूल में ही है जी। और चार नंबर? फिर 2 बेटे हैं। हाँ हाँ बताएं। बड़े का नाम विद्याधर है जी, जो वो आपके पहले टीचर था जी, फिर पंचायत समिति दांतारामगढ़ से वो अधिकारी होता है जी जी जी। वीडियो एजुकेशन वाले। अच्छा अच्छा। और बाद में पांचवा नंबर उनका क्या नाम? दूसरे का नाम वेद प्रकाश है जी, वो कुमाऊं रेजिमेंट का कमांडेंट था, कर्नल जी, और वो जयपुर में उसका मकान है जी, मिलिट्री कैंपस है उनका नारा जी जी जी। 3 बेटे उसके जी। आपका आपका ससुराल कौन सी जगह था? दरसाई रानी। अच्छा। और धनपत्नी का क्या नाम था? मेरे ससुर जी का नाम धर्मपत्नी। हाँ, धर्मपत्नी का कस्तूरी देवी। कस्तूरी देवी, ठीक। आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई है? मैं हिंदी मिडिल सिर्फ, और आर्मी में इंग्लिश जी वहाँ जा करके पढ़ाई की। तो आप आर्मी में लगे थे? आर्मी नहीं। हाँ, मैं सन 1941 को जी सीक्रेट ठिकाने की तरफ से टीचर बना जी, और मैं फर्स्ट डिविजन था जी जी, इस वास्ते मुझे ठिकाने की नौकरी मिली जी, और मैं कोटरी दालान गया। सीकर ठिकाने में पहले फतेहपुर तहसील, लक्ष्मणगढ़, सीकर, 3 तहसील और 5 गांव, रिंगस, शिमालदा, सरकोट और जी कोटरी जी दालान जी, रिंगस, 5 गांव। तो कोटरी धायनान मैं मार्च बन के गया, ऊंट पर चढ़ के जी जी, और तनख्वाह 15 रुपए थी, मैं फर्स्ट डिविजन था जी जी। तो गोपाल सिंह खंडेला जो मिनिस्टर बना जी, वो मेरा स्टूडेंट था जी, तो वहाँ एक साथ रहा। फिर क्विट इंडिया का नारा लगा 1942, तब पिपराड़ी आ गया जी। उस टाइम में सीकर ठिकाने की एजुकेशन की यही व्यवस्था थी, एक हाई स्कूल जो अब कॉलेज है जी, और उस टाइम में उस माध्यमिक को इंटरमीडिएट कॉलेज कहते थे, एक लड़कियों की चित्रांगिया स्कूल के पीछे इंग्लिश मीडियम 8 तक, और एक माधव स्कूल हिंदी मिडिल जी, उसमें मैं पढ़ा। 1938 में जब मैं 15 साल का था तब वहाँ
पढ़ने गया जी। और हम जो नगर परिषद का वर्तमान अंग्रेज देखे थे आपने सीकर में? हाँ, कैप्टन जेब को देखा, यंग को देखा। तो इधर अंग्रेजों का शासन था उस टाइम की अपने राजा राजा का था, राजा का था, लेकिन कैप्टन वेब था यहाँ मालिक। अच्छा अच्छा अच्छा। राजा तो बेचारा पंच नाम मात्र का था, नाम का ही था। अच्छा, तो उसके बाद में श्रीमान जी, तो हम 20 लड़के थे, खांजी का डेरा कहलाता था, खालसा हो गया जो अब नगर परिषद रह रही है वहाँ, अब तो नया मकान बन गया, उसमें रहते हम। 6 लड़के शिकर तहसील, 9 लक्ष्मणगढ़, 5 फतेहपुर, टोटल 20। राजनीति में कब आए आप? वो आपसे बता रहा हूँ, मैं पहले मास्टर बना, फिर बद्रीनाथ सोडानी के साथ मेरा उठना बैठना था, तो उन्होंने कह दिया देश को आजाद करेंगे, तो मैंने 29 फरवरी सन 1944 को नौकरी छोड़ दी। अच्छा, ठिकाने की, और प्रजामंडल में आ गया। सो प्रजामंडल में हम अपने शिकर ठिकाने की हालत बताऊं उस वक्त की, टोटल जमीन 28,42,000 बीघा पक्की, 2.25 बीघा कच्ची, बीघा की 1 पक्की बीघा, और 3 बीघा 12 विश्वा कच्ची का 1 एकड़, और 1 बीघा का 11 एरो, और 1 वो आपका है 9 बीघा का, 4 बीघा पक्की का, 1 क्या बोलते हैं उसको विश्वा, अभी नई नाम में एकड़ हेक्टर, एकड़ एकड़ नहीं हेक्टर, हेक्टेयर, 2.5 एकड़ का 1 हेक्टेयर होता है, और आप 9 बीघा कच्ची का 1 हेक्टेयर होता है। अच्छा, 4 बीघा पक्की का 1 हेक्टेयर, और 3 बीघा 12 विश्वा का 1 एकड़, 2.5 एकड़ का 1 हेक्टेयर। तो आजादी की बातें बताएं कुछ। हाँ जी, तो फिर बद्रीनाथ जी के संपर्क में, जिसको शिकर का गांधी कहते थे, प्रजामंडल में आ गया। तो अपने मैं आपसे निवेदन कर रहा था, शिकर ठिकाने की टोटल जमीन 28,42,000 बीघा पक्की थी, उसमें 7,14,000 खालसा शिकर ठिकाने की, 28 में 7,14,000 और 7,28,000 बीघा जागीरदारों की थी, जिसमें डोली मंदिर और बॉम बाड़ सब आ गए। अच्छा, सो मोलिया सी मैं 3 ठाकर थे उस वक्त, 2 साथी, आधा बंजी चौथाई, कल्याण जी चौथाई, तो वहाँ हमने जागीरदारों को खतौनी नहीं मिली, हमको 1938 में खतौनी मिल गई। तो हमारा नारा एक ही था कि हमको खतौनी मिल गई, इनको तो नहीं मिली। सो पैमाइश होनी चाहिए और इनकी मनमानी नहीं होनी चाहिए। सो ये गांव गांव में मीटिंग करते थे जागीरदारों के, बोले सी में हमने मीटिंग तय कर दी। वहां के राजपूतों ने घोषणा कर दी कि हमने 7 मन का खिचड़ा बढ़ाया है,
राजपूत समाज इकट्ठी होगी, प्रजामंडल वालों को जान से मार देंगे। तो हम केवल 7 आदमी गए, कन्हैयालाल मैला स्वरूप से, उसका छोटा भाई कुमार नान मैला वकील, किशन सिंह जी वाटर माटा नऊ, लेख राम जी डोटासरा कसवाड़ी और चंद्र सिंह जी बिजानिया बीबीपुर बड़ा हरदेई मारसानी का बाप और लाल सिंह कुलहरी मगलुने पास माधोपुरा गांव है उसका, और सबसे छोटी उम्र का मैं 7 थे, केवल हम 7 ही गए। बाकी कोई भी प्रजामंडल में बढ़िया ब्राह्मण दर्जी थे एक भी नहीं गया। तो पहले ऐलान कर दिया कि आज जान से मारेंगे। तो मंगसर सुदी चौदस चांदनी रात और सन 1945 हम चौधरी दुदाराम नेहरा की ढाणी जो मोदा से इस साइड में पश्चिम उत्तर कोने में 500 पाउंडा, 1 पाउंडो 5.5 फुट को है। सो और ढाणी पूर्व दक्षिण में, उत्तर जानती उस टाइम 2 नीम थे, अब एक ही है। वहाँ हमने मीटिंग शुरू की, गांव के ठाकुर ने बहुत हाथा जोड़ी की कि आप के लिए गांव में कर जाओ डाने में करें, लेकिन राजपूत सरदार दारू पीड़ा वो मना को नहीं, वो लोग कट्ठे भी करें मार जा वो फिटो भी रखो को नहीं मान्या। वो दारू नहीं पीता था तो दिन साल थी, सो राजपूतों में ये नियम है कि जनेऊ ले लेता है उसको दारू और मांस के लिए टोकते ही नहीं। समझदार कौम है, इनमें एका भी बहुत है। लेकिन ये बड़ाई के भूखे बहुत है। सो अपने कहावत है के सेंगी के मंगो, सेंगी सेंगी का मतलब सस्ती सस्ती गाय बैल मंगा। और महंगी भैंस उसके पाटा सस्ता, शानी राजपूतनी उसके बावड़ा राजपूत और बावड़ी बनिया नहीं उसके छाना बनिया। सो बूढ़ो जाट चरावट जाट के बाबा तेरो लावनी वो नहीं साथ एक रेवड़ में करे रहे बूढ़ो ठाकर थोड़े काट आप जी तो बटाई उड़ो बामन मिलावे पाठ डानिया में ब्याह पद्धति की जो आप घर पुनः उठा ले जाए मुझे कौन भी नहीं क्या बनता है और बूढ़ो बानियो थोड़े काट जेठा एक एक रो मोटर सूझे तो बत्ती तोल दो फिर घाट ही थोड़े को जाट बुढ़ाड़ू काम दे ठाकर बिरजाड़ू काम दे यानी बढ़ाई करो काम ले लो तो बामने जिमाड़ू काम दे बाद आयो जाट घर तुम खा जा समझो ने बहुत खारो है जिद कर ले तो खा जाए क्या मीठो है राजपूत की छोटी बधाई करो
ठाकरा थारा बढ़ गई के बात करा शेर उतर को फिर भी रोने आता हूँ। उस समय महंगाई की सस्ताई चीजें में क्या भाव था बताना चाहेंगे? हैं? उस समय चीजों में क्या भाव रहते थे खाने पीने चीजों के? वो सच्ची बड़ा ही था। बताएं चाय चीनी गेहूँ क्या भाव थे? मैं गेहूँ तो मैंने सन 38 में सिकर में देखे सरबती। अच्छा। अपने यहाँ लाल गेहूँ होते थे, मिठास था उनमें और मोठ का भाव था एक रुपए का 36 शेर पक्का अंग्रेजी तोल। आप विचार करो मोठ का भाव, अब एक किलो लाल चूड़े लाओ, आप एक किलो बाजरा ले जाओ। अजी फिर आगे क्या हुआ राजनीति में? फिर श्रीमान मैं कुछ इंडिया का नारा लगा पिपराड़ी था, एक भी जाट या चमार का लड़का नहीं। मैं चमारू में आ गया, उनके लड़के लिया, बनियों ने ऐतराज किया के मारा लड़का बिट जाए। मैं को मत राज को नौकर हूँ, मैंने लड़का पढ़ा बको कहे को नहीं थे लिखा जाओ के तुम्हारा न पढ़ाया जाए को नहीं पढ़ू नहीं तो पढ़ा जो मैं जाति पंथ को नहीं मानू। तो उसके बाद में फिर आप कहाँ का चढ़े? वहां से उन्होंने शिकायत की मेरी, तो मेरी बदली कर दी खुद ने। तो रामदेव सिंह जी का नाम सुना आपने? तो शहीद हुए गिल कन्हे राम रामदेव, वो बिरला का टीचर था, उससे मैंने चार्ज लिया, कुदन में नहीं खुली। वहां से ही मैंने इस्तीफा दिया कुदन से 29 फरवरी 44 को। और मोलिया सिंह में आपको वाक़ा बता रहा हूँ, मैं 22 साल का था तब 500 जागीरदारों ने अटैक किया। गांव के ठाकरे ने कहा वो राजपूत सरदारों की जय, कन्हैया माता की जय। मैं जीन माता ही जानता था, कन्हैया माता उसने नहीं सुना। और गांव का ठाकर जनेऊ ठाकरे की थी, मैंने उसको ब्राह्मण समझा। उन्होंने कहा भाग जाओ, मैंने कहा हमने भागना सीखा ही नहीं, जम के मरना ही सीखा। सो सर्दी बहुत पड़ती थी उस पर, चरसर का कोट था ऊपर ये दूसरा और हकड़ा खड़ा था मैं तख्ते पर, मैं जय बुला रहा था, लोग जय बोल रहे थे, मैं नहीं भगा। बिग बाद में श्रीमान जी जब देश आजाद की घोषणा होगी 15 अगस्त ने आजाद उसी तो मैं फौज में चले गए जी, क्या आगे रक्षा कर जा देश की। ठीक, फौज कितने साल रहे? मैं 8 अगस्त 47 में भर्ती हुआ जी। और रिटायरमेंट कब लिया? रिटायरमेंट रिजर्व आया मैं सन 1954 की 30 दिसंबर को। और उसके बाद आते ही छठे दिन निर्विरोध सरपंच बना दिया जी। उस वक्त बड़ी बड़ी पंचायतें थी जी, पंचायत की वोटर लिस्ट नहीं थी जी। रसा काल के आपके इधर मेरे इधर गिनती करा दो, वोटिंग नहीं थी ना। 55 में 58 में 61 में वोटर लिस्ट बनी। अच्छा अच्छा। तो उस वक्त मैं प्रधान वो 61 में बना और 64 में प्रधान बन गया। प्रधान बन गया, ठीक। अच्छा, प्रधान उसके बाद में? प्रधान बनने के बाद में हमको तो
बना के ही भूल गए। अच्छा, सो बना ही रहा मैं तो। अच्छा, कितने साल रहे? मैं सन 65 से लेकर के 77 तक 12.5 साल तक प्रधान बने रहे। जब मैं MLA बन गया तो इस्तीफा देना पड़ा। आप MLA कौन से साल में बने? 77 में। 77 में जी। और 5 साल रहे ना वरुण सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे। लेकिन एक उनमें खूबी थी, वो सबको एक मानते थे, चाहे उस वक्त जनसंघ था चाहे कांग्रेस हो, मैं कांग्रेस का था। कितनी बार चुने गए आप MLA? एक ही दफा। सीकर से 5 साल रहे, पूरे 5 साल ना, ना है। वो पीरियड 77 से ऐसी तक 3 साल रहा इनका, पर पूरा माना गया। तो उस दौरान क्या क्या कार्य करवाए आपने? उस वक्त राज था जनसंघ का, ठीक है, और आप कौन सी पार्टी से थे? कांग्रेस। आप कांग्रेस से। तो सुमित्रा जी ने पूछा कि ये बाला गांव को जाट और शिकर शहर से कह जीत को जी। पंडित जी कल्याण सर्कल पर पान लगावा, पर मैं बताऊं जटूरा कटूरा और ढेरूरा तीनों एक होगा। अच्छा, मैं केवल 5100 रुपया में बहुत अच्छा बोटा हूँ। अच्छा, जीत गए। गा बाची को चन्नो, शुरू में 2 बैलेंगी जोड़ी, फिर गा बाची, फिर इंदिरा जी हाई कांग्रेस हाथ। फिर MLA से रिटायर होने बाद क्या किया? बस जब मैं प्रधान था उस वक्त मैंने 16 महीने बराबर कोशिश की, ये जाट बोर्डिंग एकदम रुड़ गई थी। सो इसको तभी आप जाट बोर्डिंग से जुड़े हुए हैं। हाँ, सो पूरे 16 महीने तक इसको पुनर्जीवित किया। ये जाट बोर्डिंग कब से शुरू हुई है, कौन से सन में हुई थी शुरू? ये सन 1943 में राव राजा कल्याण सिंह जी ने इसकी नींव रखी। अच्छा 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 अच्छा, और अभी आप सदस्य हैं इसके? मैं अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष हैं आप इसके? अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि वैसे जाट बोर्डिंग की बार बदनाम सी हुई है ना। तो वो तो जाटन तो काम बोलो काम चाहिए कुन्ने। और अभी ये बताएं कि खेत कितने बीघा आपके? खेती मेरे पास केवल 100 बीघा मैंने ली थी, मेरे नाम थी। मेरे छोटे भाई ने कहा मैं एक जगह लूंगा, उसको दे दिया। ये जाव है टोटल 72 बीघा कच्ची। अच्छा, जमीन। अभी आपका स्वास्थ्य कैसा है? मैं कभी बीमार हुआ ही नहीं। हुए नहीं। और दिखने में कैसा आपको दिखता है? एकदम। और सुनने में? एक ये 45 फुट हाइट से जंपर लगाया था पटियाला में, जब मैं आर्मी में था तो ये पर्दा फट गया। अच्छा, एक कान ही काम करता है। और दांत कितने चले गए अभी? दांत ऊपर का मामला साफ है, नीचे के हैं। तो आप गाय भैंसों का भी कर लेते हैं, खेत का भी काम कर लेते हैं? गाय भैंस नहीं है, खेत का कर लेता हूँ। गाय भैंस ये तो अंग्रेजी पढ़ गई है, अंग्रेजी पढ़े हुए काम करते नहीं, गाय भैंस का क्या करें। जी जी जी। तो आपका गांव जब आप पैदा हुए उससे लेके अब कितना फर्क पड़ा, गांव कितना बड़ा? जब मैं छोटा था 7 वर्ष का था, तो मेरा जन्म 27 का है जी, तो कटराथल कितना बड़ा था उस टाइम? कटराथल मैं उस वक्त पक्के मकान बहुत कम थे। अच्छा, बाढ़ थी, कच्चे मकान थे। आबादी कितनी थी उस टाइम? आज न तो लड़कों को ये पता है कि बाढ़ क्या है, डेरा किसे कहते हैं। उस टाइम दुकान थी कटराथल में? थी, बाजार था। बाजार था, बनिए थे 70 घर। अच्छा, 2 तरह के जनी। अभी किधर है बनिए, निकल गए सारे? एक भी नहीं है। क्यों, जाटा ने निकाल दिया ना? धंधे की बनिया वहाँ रहता है ना, बाट का और भाव का पता नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, सो अनजान जगह पहुँच गए हर शाम बिहार। अच्छा अच्छा, वहाँ चले गए।
तो अभी खेती क्या स्थिति है इधर, पानी कितना गहरे है? पानी 3% नीचे जा रहा है और 10 साल बाद में पीने के लिए भी नहीं मिलेगा। आप हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ घूम चुके हैं? पूरा हिंदुस्तान देख लिया। देख लिया और फिर बाहर मॉरिशस, फिर यूरोप के 9 देश कौन कौन से? इटली, इटली, वेटिकन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आपका जर्मनी और फ्रांस, नॉर्वे, और वो तो आपका डेनमार्क। डेनमार्क, अच्छा, ये नो पेरिस वाकई में खूबसूरत है, एक ही कलर है, जी 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 जी, कोई गंदगी नहीं। तो खाने में, खाने में क्या क्या अच्छा लगता है आपको? मैं केवल सादा खाना, दाल रोटी, सब्जी रोटी। मेरे जैसे नौजवान जो है काम नहीं कर पाते, मेहनत का काम है और हमारी स्वास्थ्य भी इतना अच्छा नहीं रहता है। आपके 94 साल हो गए, तो क्या मशवरा देना चाहेंगे? मेरी राय ये है कि चाय भूख की दुश्मन है। अच्छा, किसी को मीठा खाना है, निरोग रहना है, तो चाय छोड़ दो। अच्छा, चाय पीने वाला मीठा नहीं खा सकता। और ज्यादा चाय पीने वाले, तो आपको स्वतंत्रता सेनानी माना गया? माना गया था, था। लेकिन हरदेव जोशी के पास रामदेव सिंह गया और कहा अगर इसकी फाइल आप नहीं छुपाओगे तो मेरे को ये जीने नहीं देगा। अच्छा, उसके कहने से हरदेव जोशी ने मेरी फाइल दबाई। अच्छा, मेरे लिए तो लिखा गया था मौत का सामना किया। अच्छा, हीरा लाल जी शास्त्र को ये कहानी बताई तो उनकी आदत थी दूध जलेबी, और ये मिलावट नहीं थी दूध में। अच्छा, मेरे कहा मेरे साथ खा तो नहीं, बोले मेरे में भी वीरता आ जाए, वीरता साथ खानी बने पैतृक आती 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 है अंदर से। आदमी पर दो चीज का असर, रंग रूप, डील डोल, बनावट और स्वभाव, खानदान, ये दो लाइन दिख रही जी, दिख रही है मेरी चौथी पीढ़ी के, यही है जी जी, मेरे बेटे बेटियों की। मेरी भी लंबी लंबी है देखो, दो बराबर बहन है, नहीं दो ही है, ये है ना दो, एक ये पटरी ये, और ये उम्र की बताते हैं। अरे ये उम्र की है? हाँ, इधर की, मेरी तो उम्र वाली दिख रही नहीं रही, इधर उम्र वाले थोड़ी कट गई। कट गई? हाँ, मेरी पूरी चली गई। अच्छा, तो बढ़ानी पड़ेगी इसको, बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ेगी, वो तो भगवान की देन है। अच्छा, सही बात है, ये तो काम जल्दी जल्दी कर लें, ठीक है ना? अच्छा, जिंदगी और मौत का एक सांस का अंतर है। बड़का कहेगा एक पग उठायो दूसरे के आस को नहीं। जी जी जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बस सांस तब आस है, सांस बंद होते नहीं, माटी में माटी। सही बात है, तो अपने प्यारे दोस्तों के नाम बताना चाहेंगे जो याद है अभी तक आपको? मैं केवल एक ही, सुखबीर जी पाटर, वो मेरे उम्र में छोटा था जी, वो मेरा घनिष्ठ था जी। और कौन सा काम था? बाटरा नाव। अभी आप बताएं, आप कभी दरबार में गए थे, सीकर दरबार में? सीकर में पहले नहीं गया, राव राजा कल्याण सिंह जी की मेरे पर बड़ी कृपा थी। अच्छा, राव राजा कल्याण सिंह में एक खूबी थी, वो अपनी रानी के अलावा सारी दुनिया की औरतों को बहन बेटी मानता था। अच्छा, सो मैं प्रधान रहने तो मैंने कहीं भी कोई पाया भरवाया कल्याण सिंह जी से। अच्छा, और वो मेरे पर बहुत ही खुश थे। कैसा था डेल डोल ऐसे राजपूतों का सा, भारी भारी है? नहीं, वो बहुत सीधी तबीयत का था, गोरा रंग। अच्छा,
ज्यादा लंबा नहीं, 5.5 फुट ही, लेकिन तबीयत बहुत सीधी थी। माधव सिंह जी तो आपके हम उम्र था कि बड़ा था राजा उस टाइम? हाँ जी, वो तो उम्र में बड़े थे। उम्र में बड़े थे, अच्छा अच्छा अच्छा। तो वैसे इस जो स्वतंत्रता प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, जो उसमें आप दिल्ली भी गए थे, बड़े बड़े नेताओं से मिले कभी? दिल्ली मैं पहली दफा गांधी जी से तो मिल नहीं सका, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जब मैं प्रजामंडल में था, जयपुर आए थे, जोड़ी बाजार में, वहाँ प्रजामंडल का कार्यालय था, सो हमने, मैं वॉलंटियर था, रास्ता बनाया। नेहरू जी में एक खूबी थी, शेख अब्दुल्ला भी साथ आए थे। इंदिरा से मिले कभी आप? इंदिरा जी से मिला हूँ। अच्छा, कहाँ मिले? दिल्ली की सीकर? दिल्ली भी, जयपुर में भी। ये जमलाला बाजार से मिले? वो तो बहुत पहली बात है ना। वो नहीं मिला। नहीं मिले? अच्छा अच्छा। सरदार पटेल से भी नहीं मिल सका। नहीं मिल सके? आए थे वो। अच्छा अच्छा। मैं फौज में चला गया था, इसे नहीं मिल सका। जब आप प्रधान बने थे तो कुछ तनख्वाह मिली थी आपको? केवल 100 रुपया महीने के। 100 रुपया महीने के? और 100 रुपया तो बहुत था, बहुत थे उस टाइम। हाँ, 100 रुपये, फिर 150। कौन से सन की बात थी? 1900 प्रधान बने कौन सन की बात थी? 65। 65 में? हाँ। 65 में 100 रुपये ठीक थे फिर भी? खूब। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन मैं गाड़ी थी एक। आप गाड़ी चलाने आती है? फोर चलाता हूँ बकायदा। अच्छा, फोर व्हीलर चला लेते हैं? हाँ। तो अभी चला लेते हैं? हाँ, अभी चला। लाइसेंस कितने साल पहले बना था आपका? लाइसेंस कितने साल पहले बना था? वो तो मैं मिलिट्री में था उस वक्त, चलाना सीख गया था। अच्छा, उस टाइम लाइसेंस बन गया था आपका? हाँ। अच्छा अच्छा। तो मैं प्रधान था, जीप मेरी, मैं चलाता था। तो मैं MLA में सिर्फ 5100 रुपये में। अच्छा, अच्छा। MLA बना? MLA बने केवल 5100 रुपये। लोगों ने पैदल चाल के ही वोट दिए। वोट दिए? वो शहर वाले बोले दंगे तो ये खत्री है ना, शिकर वाला। वो बोला हमारे एक कैंडिडेट ही पैदल फिर रहा है, दंगे कहाँ से। जी जी जी। सब ने पैदल चल के ही वोट दिया। तो जब आप MLA थे उस टाइम, ये कितना एरिया कितना आया आपके? शिकर के गांव और शिकर शहर। अच्छा अच्छा अच्छा। पिपराली समिति में शिकर तहसील के गांव है वो, और शिकर शहर। जी जी, ठीक है साहब, आपने साक्षात्कार के लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप दीर्घायु रहें और स्वस्थ रहें, ठीक है, और ये जो है नई पीढ़ी का मार्गदर्शन करते रहें, ठीक है। साक्षात्कार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान तो निराकार है, अनंत है, इस वास्ते वो अपने हिसाब से ही चलता है। जी जी। तो मैं तो एक ही बात मान के चलता हूँ, काम ही राम है। जी, काम ही राम है, सो ठाली रहता ही नहीं। जी जी, ठीक है। ठीक है, आप लोगों से